तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपको बता दूं कि दुबई से लेकर मुरादनगर के बीच में जो बायो डक्ट है उसमें आपको बता दूं ओवरहेड इक्विपमेंट लगाने के बाद में ओवरहेड वायरिंग का भी काम कर लिया जा चुका है और इस पर ट्रैक बिछाने का जो काम है वो भी कर लिया जा चुका है दोस्तों। आप देख सकते हो ये जो रोड के ये जो सेफ्टी बोर्ड हैं उन पर डिवाइडर बनाया जा रहा है। डिवाइडर बना देने के बाद में इसमें मिट्टी डाली जा रही है और मिट्टी डाल देने के बाद में फिर इसमें प्लांटेशन कर दी जाएगी दोस्तों। देख सकते हो आपको यहाँ पर कहीं पर भी सेफ्टी बोर्ड नज़र नहीं आएंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये डिवाइडर बना दिया इन्होंने और ये मिट्टी डाल दी है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये सारे में ही मिट्टी इन्होंने डाल दी और मिट्टी डाल देने के बाद में इसमें लेवल कर दी जाएगी मिट्टी और लेवल करने के बाद में फिर इसमें प्लांटेशन कर दी जाएगी यानी कि पौधारोपण कर दिया जाएगा दोस्तों। तो अभी देख सकते हो सारे में इसमें ओवरहेड वायरिंग का भी काम बिल्कुल पूरे इसमें हो चुका है ये गाजियाबाद के दुहाई से लेकर और मुरादनगर तक। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें कि एक साइड में इसमें ओवरहेड वायरिंग का काम हो चुका है, मिडल राइट हैंड पर हो गया है और लेफ्ट हैंड वाली अभी ओवरहेड वायरिंग का काम बचा हुआ है क्योंकि इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं। देखो सारे में ही इन्होंने ये सेफ्टी बोर्ड हटा के और इस पर आपको बता दूं कि बीच में डिवाइडर बनाने का जो काम है वो कर दिया है, मिट्टी भी डाल दी है यहाँ तक, बस इस पर अब प्लांटेशन की जानी है। लगा दिए जा चुके हैं पूरी लाइन पे मुरादनगर तक। यहाँ तक ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए जा चुके हैं देख सकते हो। यहाँ से अब ये इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं वो लगाए जा रहे हैं और इन पे ओवरहेड इक्विपमेंट अब लगाए जाएंगे, इधर की साइड में नहीं लगे हैं। अब देख लो
देखो पहले ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाते हैं। पहले ये खंभे लगाए जा रहे हैं और खंभे लग जाने के बाद में फिर इस पे लगाए जाएंगे ओवरहेड इक्विपमेंट। तो देख सकते हो ये सारे सेफ्टी बोर्ड हटा के बीच में रख दिए हैं और इसका डिवाइडर बना दिया इन्होंने। अब इसमें मिट्टी डाली जाएगी और ये उठा उठा के दोहाई डिपो में रख दिए जाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हो ये डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है इधर की साइड में, मुरादनगर के पास में। मुरादनगर आ गया, देखो वो आ गया, आप लोगों को RRTS का स्टेशन भी दिखाई देगा। और आपको बता दूँ जो ये बायोडक्ट का जितना भी जो पानी है ट्रैक का वो इसमें ही आया करेगा। बीच का जो डिवाइडर बना रहे उसमें बीच में गड्ढा कर दिया इन्होंने और उसमें एक पाइप भी डाल दिया जो बहुत गहरा है। जो भी पानी आएगा बारिश का वो इसके नीचे डाल दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि सूख जाया करेगा। तो ये आ चुका है मुरादनगर का स्टेशन RRTS का दोस्तों, देख सकते हो। इसमें जो प्लेटफॉर्म लेवल की जो फ्लोरिंग का काम है वो किया जा रहा है, ये देख सकते हो तस्वीर आप लोग। तो इसमें अभी फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है और इधर ये दीवारें भी उठा दी इन्होंने, देख सकते हो। ये दीवारें उठा देने के बाद में अब इस पर बहुत सारा काम है, लेकिन फ्लोरिंग का काम कर लिया जा चुका है दोस्तों। और दोनों साइड में बनाए जा रहे हैं दोस्तों क्या इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट, देख सकते हो इस साइड में बनाए जा रहे हैं ये रहे। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहली बार दिखाया था वैसा ही अब है इसमें, ठीक है। तो मैं इधर से आप लोगों को दिखा देता हूँ क्लियर करके। देखो अभी ऐसा ही क्या ऐसा ही पड़ा हुआ है ये, और अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को उतर के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आया। कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, देख सकते हो एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों। तो इसकी आपको बता दूं कि फाउंडेशन का काम सारा बन के क्लियर हो चुका है, फाउंडेशन बन गया है। अब इस पर ऊपर ये पिलर उठाए जा रहे हैं, कुछ ये सीन है यहाँ का। मुरादनगर के स्टेशन पर देख सकते हो जो प्लेटफॉर्म लेवल का काम है वो किया जा रहा है और इधर ये स्टेयर्स बनाए जा रहे हैं, ये देख सकते हो तस्वीरें। ये मुरादनगर का स्टेशन है और ऊपर की फ्लोरिंग कर ली जा चुकी है, जो भी वर्क चल रहा है अभी ये स्टेयर बनाए जा रहे हैं। और स्टेयर बना के फिर इस पर देखो ये लास्ट का पार्ट है, ये देख सकते हो कुछ यही वर्क चल रहा है यहाँ पर मुरादनगर के RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तो फ्लोरिंग का सारा काम हो चुका है, स्टेयर बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। और देख सकते हो दीवारें भी ये उठाई जा रही हैं, देखो ये दीवारें उठाई जा रही हैं ना, ये दीवारें भी बनाई जा रही हैं। तो अभी इसमें टाइम लग जाएगा दोस्तों, देख सकते हो, क्योंकि अभी इसमें एस्केलेटर भी लगाए जाएंगे, इसमें लिफ्टें भी लगाई जाएंगी, तभी ये दीवारें ही उठाने का काम चल रहा है। और इधर ये आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा दोस्तों। तो यही सीन है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा देखो वो उधर की साइड में बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो इसमें दो ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे, एक उस साइड में देखो वो सरिये चमक रहे हैं जहाँ मेरी उंगली है उस साइड में, ठीक है, और एक ये यहाँ पर बनाया जा रहा। तो यही नज़ारा है। तो आप लोग बताओ कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर। और चलते हैं अब जो कैनाल है उस पर, तो उस पर कितना कुछ वर्क हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के। देखो क्रेन मशीनें कितनी हैवी हैं दोस्तों। अब चलते हैं उधर की साइड में और देखो यहाँ पर ये जोड़ा जा रहा है इसको और इस पर फ्लोरिंग की जाएगी। तो यही सीन है, देख सकते हो। अब चल रहे हैं मुरादनगर की नहर की साइड में दोस्तों, देख सकते हो ये खंभे लगाए जा रहे हैं इधर की साइड में, और जो बायोडक्ट बचा हुआ था वो यहाँ पर क्लियर कर लिया जा चुका है जितना पार्ट बचा हुआ था। तो आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं और आपको बता दूं इस पर ट्रैक स्लैब हैं वो बिछाए जा रहे हैं, और ट्रैक स्लैब बिछाने के बाद में फिर इस पर ट्रैक डाला जाता है दोस्तों।
जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था वो यहीं पर लगा हुआ था लॉन्चर दोस्तों। ये जो पिलर आप लोगों को दोनों साइडों में चमक रहे हैं ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये क्लियर कर लिया जा चुका है, बायोडक्ट बिल्कुल ही जोड़ दिया जा चुका है दोस्तों। अब ये आपको बता दूं ये सीधा मोदी नगर जाके खत्म हो जाता है, तो सारे में ही काम हो चुका है इधर देख सकते हो। इस तरीके से घूम रहा है तो इधर अब ये ट्रैक स्लैब बिछाने का काम चल रहा है और इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी के खंबे लगाए जाएंगे, खंबे लगाकर ट्रैक बिछा दिया जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो ये आगे आ चुकी है नहर, मुरादनगर की नहर, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करने के बाद में सीधे चलेंगे हम देख सकते हो वो लॉन्चर लगा हुआ है ऊपर, तो इसने ये भी जोड़ दिए हैं, अब यहाँ पर ये लॉन्चर उतार लिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो तस्वीरें, ये जितने भी ये पत्थर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे, देखो ये वाले पत्थर ये सारे लॉन्चर में लगे हुए थे, देख सकते हो ये वाले जितने भी हैं। और देखो ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है यहाँ पर, जो वर्क चल रहा है अभी, ये वर्क चल रहा है इस टाइम पे। देखो ये लॉन्चर के सारे पार्ट ये उतार लिए जा चुके हैं, अब वो भी लॉन्चर उतारा जाएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।